हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद ममता में। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी या चेरी। वैसे तो टूटी फ्रूटी कच्चे पपीते या पेठे से बनाई जाती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी कैसे बनाएं। आप इसे बनाकर रख लें और फिर इसे कुकीज़ में, केक्स में, शेक्स में और आइसक्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल करें। अपने आने वाले वीडियो में मैं इसका यूज़ बताऊँगी। तो आइए देखते हैं टूटी फ्रूटी बनाने का तरीका। यहाँ मैंने ये तरबूज के छिलके लिए हैं, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। अब ये तरबूज के छिलकों का भी छिलका, यानी कि ये ग्रीन पार्ट, इसको हम रिमूव करेंगे। इस तरह से एक पीलर की हेल्प से आप इसे रिमूव करें, या फिर आप चाकू की हेल्प से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से इनका ग्रीन पार्ट अलग करें। ये बिल्कुल भी ग्रीन हिस्सा इसमें रहना नहीं चाहिए, इसको हम बिल्कुल निकालेंगे। ही इसका ग्रीन पार्ट मैंने रिमूव कर दिया है और इस साइड से भी इसमें ये जो रेड बचा रह गया है, इसे भी रिमूव करेंगे। ये देखिए, छिलका बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसको मैंने दोनों साइड से क्लीन कर लिया है। ये देखिए, तरबूज के छिलके मैंने दोनों साइड से क्लीन कर लिए हैं और अब इनको हम टूटी फ्रूटी के साइज में कट करेंगे। इनकी इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। और इनको काटेंगे। आप इनको छोटे बड़े किसी भी साइज में काट सकते हैं। इस तरह से इसको कट करें। ये तरबूज के छिलकों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये 2 कप के करीब हैं। गैस की फ्लेम पर ये कढ़ाई रखकर इसमें 2 कप पानी डालें। 20 इसमें डालेंगे। ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है और अब इस पे ढक्कन लगाकर इसे धीमी आंच पर कुछ देर पकाएंगे। इन पीसेस को कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। ये काफी ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, इन्हें बीच बीच में हमने चला दिया था। और अब बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको एक छन्नी में डालकर इनका पानी अलग करेंगे। देखिए, इसका पानी अलग हो गया है और इसको हम एक प्लेट में डालेंगे और इनको इसी तरह से कुछ देर रखेंगे। और उधर गैस पर हम शुगर सिरप बनाएंगे। इसी फ्लेम पर एक कढ़ाई रखें, पानी डाल 1.5 कप पानी मैंने इसमें डाला है। इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी डालकर इसे चलाएं। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी के घुलने तक इसे पकाएंगे। चीनी घुल गई है, अब इसमें तरबूज के पीसेस डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम फुल करके इसे पकाएंगे। इसमें उबाल आ गया है और अब इसे मीडियम फ्लेम पर कुछ देर पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इसे हमने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है और अब इसे कुछ ऑरेंज कलर की टूटी फ्रूटी। ऑरेंज कलर मेरे पे नहीं है तो मैं येलो कलर इसमें मिलाऊंगी। ये मैंने इसमें येलो कलर मिला दिया है और अब साथ ही थोड़ा सा रेड कलर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि येलो और रेड को मिलकर ही ऑरेंज कलर बनता है। और इसको भी मिक्स करेंगे। ये सारी टूटी फ्रूटी बन गई हैं। इसमें हमने येलो फूड कलर मिलाया है, ये ग्रीन फूड कलर है और ये रेड फूड कलर है। ये हमने येलो और रेड कलर मिलाकर ऑरेंज कलर बनाया है। अब इन टूटी फ्रूटी को 4 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से इस चाशनी में डूबा रहने देंगे, जिससे कि ये टूटी फ्रूटी कलर को एब्जॉर्ब कर लें। बीच बीच में इन्हें मिक्स करेंगे।
आप चाहें तो इन टूटी फ्रूटी में रोज़ एसेंस या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इन्हें रखे हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब इस तरह से ये आटा छानने वाली जाली मैंने ली है और इसको एक बाउल पे रख लिया है और इस पर अब ये टूटी फ्रूटी डालेंगे। और इसको फैला देंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा का शुगर सिरप है वो नीचे निकल जाएगा और इस तरह से दूसरी टूटी फ्रूटी भी इसमें फैलाएंगे। ये ऑरेंज कलर वाली टूटी फ्रूटी है, इसी तरह से रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी भी जाली पर रखेंगे। सारी टूटी फ्रूटी को हमने जाली पर निकाल लिया है। इस तरह से इसका एक्स्ट्रा शुगर सिरप नीचे निकल गया है। इसे मैंने एक प्लेट में डालकर फैला दिया था और 8-10 घंटे के करीब पंखे की हवा में रखा था। वैसे ये 6-7 घंटे में भी सूख जाते हैं। बीच बीच में इन्हें उलट पलट दिया था जिससे कि ये चारों तरफ से ड्राई हो जाएं। ये देखिए, टूटी फ्रूटी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। इसे आप जिपलॉक बैग में या किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें। आप इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं। तो आप भी टूटी फ्रूटी घर पर बनाएं और डिशेज में इनका यूज़ करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। बाय।